मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ है खास, चलिए नज़र डालते हैं। आज 19 जुलाई 2020 है और हम रोज एक ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करते हैं। आज जो हम ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करने वाले हैं वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 19 दिसंबर 1966। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में। इसके मेंबर कितने हैं? 68 मेंबर्स हैं और न्यू जो कंट्री है वो इसकी लेटेस्ट नई मेंबर है। इसके प्रेसिडेंट कौन है? इसके प्रेसिडेंट हैं असाकावा जापान के, और इसके वाइस प्रेसिडेंट कौन हैं फॉर प्राइवेट सेक्टर? वो हैं अशोक लवासा। अशोक लवासा भी हमने पिछले 2-3 दिन के अंदर ही इनको पढ़ा था, अपॉइंट किया गया है, इसलिए हमने आज इसे डिस्कस किया। चलिए एस्पिरेंट हम न्यूज़ पर नज़र डालते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी यानी IOC ने 2022 में आयोजित होने वाले यूथ ओलंपिक गेम जो कि सेनेगल के ढंकन में होने वाला था को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। कब तक के लिए स्थगित किया गया है? वो किया गया है आपका 2026 यानी 4 साल, यानी 2022 में ये होने वाला था, अब ये 2026 में ये आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, किसे टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया? वो कौन है? वो है केटी विंसलेट। ठीक, नेक्स्ट है गैबन की पहली महिला प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है एस्पिरेंट, क्योंकि फर्स्ट फीमेल है गैबन की, वो कौन है? वो है रैपोंडा। आपस बहुत बड़ा नाम है तो आप रैपोंडा याद रखिएगा या फिर रोज रैपोंडा याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये भी हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसे सुरेमान का नया राष्ट्रपति चुना गया? वो कौन है? ये भारतीय मूल के हैं। कौन है? चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ठीक, तो ये भारतीय मूल के लिए हैं इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। और सुरेमान ये कहाँ है? ये है आपका दक्षिण अमेरिका। जब दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट का जब मैप देखिएगा तो आपको पमाना के बगल में, ठीक है आस्पेंड, जहाँ पे फ्रेंच गुआना है उसी के बगल में आपको ये कंट्री मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट पर नज़र डालते हैं, क्या है कि वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक यानी MRI के अनुसार भारतीय वैश्विक विनिर्माण के लिए सबसे उपयुक्त स्थान की सूची में किस स्थान पर है? ठीक है, भारत कौन से स्थान पर है? भारत तीसरे स्थान पर है, थर्ड प्लेस पे है। टॉप पे कौन है? चाइना। फिर कौन है? अमेरिका। चलिए एस्पिरेंट हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि खादी और ग्रामोदय उद्योग यानी KVIC में हाल ही में कहाँ पर चमड़ा कारखाने के लिए अपनी तरह के पहले फुटवेयर प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की है? वो है कहाँ? दिल्ली में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा न्यूज़ का कि गुंटूर जिला कहाँ पर है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्यों ये न्यूज़ में रहा? क्योंकि यहाँ से यानी गुंटूर जिले से बांग्लादेश में, गुंटूर जिले से कहाँ? बांग्लादेश में सूखी मिर्चियों का परिवहन किया गया किसके द्वारा? रेलवे मंत्री द्वारा, ठीक है, रेल मंत्रालय द्वारा इसकी इसको भेजा गया, इसलिए ये न्यूज़ में रहा था तो मुझे लगा आप तक ये इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, ठीक है आसपे। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस राज्य में स्मृति वन जो कि हरेला वन महोत्सव के अंदर उद्घाटन किया गया, वो कौन है? उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड में स्मृति नाम की योजना चलाई गई। नेक्स्ट है कि भारत किस देश के साथ साइबर सुरक्षा के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया? किसके साथ किया है साइबर सुरक्षा के लिए? वो इज़राइल के साथ किया। आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आएगा, इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट।